नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए शाहीन बाग का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं। कोई इसे तौहीन बाग कह रहा है तो कोई मिनी पाकिस्तान। आए दिन बीजेपी की तरफ से इस पर लगातार विवादित बयानबाजी देखने को मिल रही, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग तो इस मुद्दे पर एक और कदम आगे बढ़ गए। तरुण चुग ने शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर हमला बोलते हुए इसे शैतान बाग बता डाला। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग का मतलब है शैतान बाग, भारत में हाफिज सईद के विचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर शाहीन बाग पर हमला किया और कहा कि हम दिल्ली को सीरिया नहीं बनने देंगे और उन्हें ISIS के मॉड्यूल की तरह काम नहीं करने देंगे, जहां महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। वो मुख्य रास्तों को बंद करके दिल्ली के लोगों के दिमाग में डर पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम दिल्ली को जलने नहीं देंगे। तरुण चुग यही नहीं रुके, उन्होंने तो अनुराग ठाकुर के उस बयान का भी समर्थन किया, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची से ही हटा दिया। चुग ने अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए लिखा, देश के गद्दारों को गोली मारो, गलत नहीं है। भारत की अखंडता को किसी को भी नहीं तोड़ने देंगे। शाहीन बाग का मतलब शैतान बाग है। हालांकि बीजेपी में शाहीन बाग को लेकर इस तरह का रिएक्शन कोई नया नहीं है। खुद गृह मंत्री अमित शाह नजफगढ़ की रैली में कह चुके हैं कि आपका एक वोट देश भर में ये संदेश देने वाला है कि आप शाहीन बाग के साथ हैं या भारत माँ के बेटों के साथ। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने तो ये तक कह दिया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो एक घंटे में शाहीन बाग को खाली करा दिया जाएगा। दिल्ली के लोग सोच समझ कर फैसला ले, नहीं तो ये लोग आपके घरों में घुसेंगे और आपकी बहन बेटियों से रेप करेंगे। आपको बता दें कि शाहीन बाग में पिछले 48 दिनों से लगातार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली से नोएडा जाने वाला रास्ता बंद है और लोग घंटों जाम में फंसकर DND वाले रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक CAA वापस नहीं होगा तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि इससे भारत के किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए सरकार इस पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी।